हम भी उस सवाब में शरीक हैं जिसमें तुम दाखिल हो। ये सुनकर अतिया को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, कह जाबिर, हम कैसे उनके सवाब में शरीक हो सकते हैं जबकि हमने वो मुसीबतें नहीं उठाई हैं जो उन्होंने उठाई। हमारे बदन पर तलवारों के जख्म नहीं है, हमारी औरतें बेवा नहीं हुई हैं, हमारे बच्चे यतीम नहीं हुए, तो फिर हम कैसे उनके सवाब में शरीक हो सकते हैं। ये सुनकर जाबिर जवाब देते हैं, ऐ अतिया, मैंने अपने महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से सुना है कि जो भी किसी कौम से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे उसी के साथ महशूर करेगा, और जो भी किसी के अमल को पसंद करेगा तो वो उस अमल में शरीक होगा। कसम है उस